हेलो, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और सारनाथ का अगला पार्ट हम लेके फिर से हाजिर है। और अभी हम जाने वाले हैं पुरातत्व विभाग, यानी कि जो ऐतिहासिक जगह है सारनाथ का, उसके अंदर जाएंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी तरह का स्तूप है, कुछ स्तूप टूट गया है, कुछ स्तूप बचा है। हमारे साथ गाइड भैया भी अभी भी मौजूद है, वो आपको अच्छी तरह जानकारी देंगे और इस ऐतिहासिक जगह के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे, बताएंगे कि ऐतिहासिक जगह की क्या मान्यता है, प्राचीन समय का जो भी ऐतिहासिक जगह है। तो अंदर चलते हैं, आप इस वीडियो पे बने रहें क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा प्राचीन समय का ऐतिहासिक जगह आप देखने वाले हैं, तो अंदर चलते हैं और आपको फटाफट दिखाते हैं। यहाँ का जो एंट्री फीस है वो 25 रुपये है, लेकिन भारत सरकार द्वारा 2 अगस्त से 15 अगस्त तक इसको फ्री कर दिया गया है। इंडिया में जहाँ भी ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पे 2 अगस्त से 15 अगस्त तक फ्री कर दिया गया है। मतलब आप आइए और बिना फीस के एंट्री कीजिए और ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण कीजिए। तो भैया, ये सारनाथ का प्राचीन जगह है, एक मेमोरी, एक यादगार है। महात्मा बुद्ध को बुद्ध या बिहार में ज्ञान मिला और अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में इसी जगह धर्म उपदेश दिया था। उसी जगह को जब सम्राट अशोक कलिंगा युद्ध जीतने के बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, तो सम्राट अशोक ने एक भगवान बुद्ध की यादगार में धर्म चक्र स्तूप को बनाया है, जिसके अंदर खिड़की दरवाजा गेट नहीं है, सॉलिड फोर्स है, चारों कोनों से भरा हुआ है। बुद्धिस्ट लोग आते, बाहर से रोन करते, अगरबत्ती मोमबत्ती से पूजा करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जितने प्राचीन समय का जो भी कुछ निर्माण किया गया था, अब तो काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया, टूट गया है, लेकिन उसका भी नींव अभी उसी तरह है। भारत सरकार के, इंडिया के पुरातत्व विभाग ने इसको अभी भी जो बचा कुचा है उसको संभाल के रखा हुआ है आम नागरिकों के लिए। और ये जो आपको दिख रहा है यही स्तूप है। अभी पास चलते हैं और आपको वो भी दिखाते हैं। अब ये जो कौन सा भवन है, इसमें प्राचीन समय में बना हुआ था क्या, उसका इसके भी विषय में तो बताना अभी मुश्किल है, लेकिन जो भी किला नुमा है बस उसका एक जो नींव है वही बचा हुआ है, उसी को संभाल के रखे हैं सरकार ने। और यही स्तूप देखने के लिए लोग दूर दराज से लोग आते हैं। इसकी ऊंचाई काफ़ी है, काफ़ी ऊंचा है। रात को तो ये और अच्छा लगता होगा क्योंकि इस पे रंग बिरंगे लाइट लगा है। स्तूपा का हाइट 103 फीट है, गोलाई 93 फीट है, 2300 साल पुराना है। बुद्ध धर्म में 2 शाखा, एक हीनयान, एक महायान। हीनयान वाले होते हैं चक्कर लगाते हैं, महायान वाले मूर्ति पूजा करते हैं। जैसे तिब्बत है, लद्दाख है, भूटान है, लोग चक्कर लगाते हैं। श्रीलंका, जापान, थाईलैंड आकर मंदिर में बैठ कर के पूजा करते हैं।
जो उस जगह से खुदाई हुआ, खुदाई से जो बुद्ध का मूर्तियां निकला, अशोक का चक्र है, पोलैंड कैपिटल, वो आपको म्यूजियम संग्रहालय में है। संग्रहालय प्रतिदिन खुला रहता है, मात्र एक दिन शुक्रवार को बंद रहता है हफ्ता में, और बाकी सब दिन सबको दिखाया जाता है। ₹5 आपका संग्रहालय का टिकट है और ₹20 आपका धर्मचक्र स्तूप, प्राचीन अवशेष और खंडहर देखने का। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी धूप है और काफ़ी दिनों बाद आज इतना तेज़ धूप हुआ है, इस वजह से ये कैप्चर करना, यहाँ कवर करना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी जितना कोशिश हो रहा है हम कर रहे हैं, पास से चलने की कोशिश करते हैं और आपको पास से इस जो भी पुराना अवशेष है उसको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। कई सौ साल पहले का ये सब प्रतीक चिन्ह है जो हमारे भारत का एक धरोहर बन चुका है। इसी धरोहर को देखने के लिए दुनिया के तमाम देशों से लोग आते हैं और देख कर जाते हैं। अभी कभी भी सारनाथ आए तो इस ऐतिहासिक जगह और ये जो आपको स्तूप देख रहा है आप लोग ज़रूर देखें। अभी तो म्यूजियम भी है लेकिन म्यूजियम आज बंद है, और नहीं तो आपको म्यूजियम भी दिखाते हैं। यहाँ पे एक मंदिर था बहुत विशाल, उसी का उल्लेख किया गया है। इतने मोटे मोटे दीवारों से बनाए मंदिर, मूल गंध कुटी विहार, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विहार टाइप के जो इलाका हैं, जो भी जगह थे वो थे। ये अब देखिए दूर से स्तूप को, बहुत सारे स्तूप जैसे वो स्तूप बचा हुआ है उसी तरह ये विशालकाय स्तूप ये भी यहाँ भी बना होगा, लेकिन ये टूट चुका है। इसके नींव को भी सुरक्षित हमारे सरकार ने रखा है और काफ़ी अच्छा दृश्य है हमारे प्राचीन समय को। आप देख सकते हैं कि हमारा प्राचीन समय, हमारे देश का प्राचीन समय कैसा हुआ करता था, उसका जगह कैसा हुआ करता था। सो गाइज, हमने ये पुरातत्व विभाग का जो भी जगह है, एरिया है, इसको हमने एक्सप्लोर किया, आप लोगों को दिखाया, और जो स्तूप है जिसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है उसके बारे में भी आप लोग ने जाना हमारे गाइड भैया के द्वारा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे ये ऐतिहासिक जगह को जिसने भी नहीं देखा है वो देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।